मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी नेता अंतराम आवासे को जिला बदर कर दिया गया है। इसके विरोध में लोग प्रशासन के खिलाफ हो गए हैं। वहीं मंगलवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएसपी गौरव पाटिल ने कहा कि आदिवासियों ने लाउड स्पीकर बजाकर बिना अनुमति के कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन किया है। बिना सूचना के धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ है। चूंकि कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व से ही धारा 144 है और जिसे लेकर कड़े नियम और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। एफओ और एसबी कलेक्टर पूरे प्रशासन जिला के हर विभाग के प्रशासन को इकट्ठा किया था और वहां पर एक ही हमने आवाज उठाई थी कि हम पुराना जो है वन अधिकार के कानून में आता है पुराना एक इंची छोड़ेंगे नहीं और नया एक इंची हम करने भी नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे पीठ के पीछे कर्मचारी शासन के लोगों ने मिलजुल कर किसी और जो लोग नहीं जानते ऐसे आदिवासियों को मिलाकर जंगल ताजाद में काटने लगा और हमने एकदम से जंगल को काटना रोका जाए। नहीं, इनके द्वारा किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं फोर हैंड सूचना दी गई थी कि हमारे द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आके यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने लाउड स्पीकर लगा के और हमारा जो भी इनकी बात कहने की थी वो रखी जाएगी क्योंकि अनुचित भी था और चूंकि इनके द्वारा प्रायर परमिशन और इन्फॉर्मेशन भी इंटीमेशन किसी भी तरह का किसी भी स्तर पे नहीं किया गया था।